आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। सेवा जोहार। आज हम इस गुंडियन समाज की छोटे छोटे घर कोट कस्सा हमारी रीति रिवाज परंपरा व्यवस्था इन सब के बारे में हम चार पांच हमारे युवा साथी हैं जिनके द्वारा हम बैठे हैं ऑन रिकॉर्ड और बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप भी अपने क्षेत्र में होने वाली गतिविधि सामाजिक गतिविधि या फिर हमारी प्राचीन व्यवस्था के बारे में आपको कुछ पता है तो आप बैठ करके हमारे लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए दिखाने का प्रयास कीजिए। तो अभी हमारे साथ हैं हमारे तिरुमाल दिनेश पोर्ते जी, तिरुमाल मिल्खा पोर्ते जी, तिरुमाल नोहर सिंह ध्रुवे जी, तिरुमाल गजराज सिंह मसराम जी और तिरुमाल अजय ध्रुवे जी। और मुझे तो आप सभी जानते हैं मैं धर्मीय नारायण डॉक्टर जेलिंगो। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम बात करेंगे हमारी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। चलिए सामाजिक विषय में सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि हमारे ये जो गांव बसा है तो गांव हर गांव जो हमारी प्राचीन जो गांव का नामकरण जो थे और नामकरण किस प्रकार से होते हैं ये तो आज के समय में कोई हिंदू मुस्लिम में होड़ लगी है विवाद चल रही है झंझट हो रहा है कि वो नगर का नाम बदलने का गांव का नाम बदलने का तो इस प्रकार से देश का भी नाम बदलने की बात आ रही है। तो आज हम उसी सिलसिले में जानेंगे कि हमारे प्राचीन नाम का जो नामकरण विधि थी वो कैसी थी किस आधार पर नामकरण करते थे। तो आज हम इस बगबूढ़ा के नाले में नदी में बैठे हैं तो सर्वप्रथम हम बगबूढ़ा के ही बारे में जानेंगे जी, जी, जी। तो बगबूढ़ा का नाम क्यों पड़ा अब हम जानते हैं आप लोगों से कि कैसे कैसे आप लोग क्या सुनते थे बुजुर्ग लोग कुछ बताते रहे होंगे बगबूढ़ा के बारे में। तो क्या बगबूढ़ा यानी बाघ बूढ़ता था या क्या था इसके पीछे? ये पहले कहते थे दादा इस गांव को बगबूढ़ा जी। बगबूढ़ा इसको इसलिए कह रहे थे कि यहाँ पहले बहुत बड़े मतलब कहा जाए पानी के अकाल पड़े दाना पानी हर चीज़ के मतलब अकाल पड़े थे यहाँ पानी बहुत कम रहा करता था जी जी। और जो नीचे में एक बहुत इस नाला के नीचे एक बहुत बड़े और एक डबरा है जी जी। वहाँ हमेशा बाघ पानी पीता था और वहाँ बुढ़ता था। कहाँ पे है वो? वो नीचे है जस्ट अपना ये गांव के बगल ही में है ये गांव से बगल में नीचे में नीचे नदी के में यही नदी में यही दतीले नाला में है। अच्छा यही नाला ये नाला का क्या नाम है? दतीला नाला। दतीला नाला हाँ। तो वहाँ हमेशा वैसे बुढ़ते थे तो पुराना सियान मन कोई चीज ला देख के नाम धरत रही है हाँ कोई भी गांव ला जैसे तो उस समय बस्ती बसा था कि नहीं? नहीं उस समय इसमें बस्ती नहीं बसा था ये जो बगबूढ़ा बस्ती हाँ नहीं बसा था बाद में बसा फिर एक दो ठो घर था हाँ। तो वहाँ हमेशा वैसे ही बाघ बुढ़ता था उसके नाम से इसको बगबूढ़ा नाम धर दिया। अब बगबूढ़ा नाम अभी भी चल रहा है और पहले भी चल रहा था वह गाँव भी बस गया उसी समय एक दो ठो गाँव बसते बसते अब पूरा गाँव बस गया। तो इसको बगबूढ़ा के नाम से ज़्यादा जानते हैं अभी भी ज़्यादा जानते हैं अब सरकारी में सिर्फ इसको गुल्ली नाम से जानते हैं। गुल्ली नाम कैसे डाल दिए? गुल्ली नाम इसको ऐसे डाले ये पूरा ईरान था पहले तो एक बहेरा और अपना गुल्ली ऐसा प्रकार के फल फूल में ये जंगल में ज़्यादा हुआ करता था। अच्छा हाँ बहेरा मतलब मंगुआ का गुल्ली हाँ अब मंगुआ का गुल्ली तो वो क्या है जैसे मंगुआ के जो गुल्ली फरते हैं और गुल्ली के जो कुआ होता है उसको वही कुआ को तो मैंने एक गोटी के नाम से जानते जानते बोले गुल्ली बोल दिए। अच्छा किसके गोटी? मंगुआ के गुल्ली मंगुआ के गुल्ली फल को फल के गोटी जो होता है उसको जानते जानते कुआ कहते कहते गोटी कह दिए गोटी कहते कहते इसको फिर गुल्ली के नाम से इसको जानना चालू कर दिए। तो नहीं इसको बगबूढ़ा नहीं कहेंगे गुल्ली कहेंगे तो गुल्ली कहते कहते फिर सरकारी में भी पटवारी के ही नाम में खाता में चढ़ गए रिकॉर्ड में भी चढ़ गया गुल्ली हाँ। तो इसको गुल्ली खार के नाम से गांव को जानते हैं और एक सही नाम पहले का बगबूढ़ा तो बगबूढ़ा ही नाम एक मेन है। तो इनके जो गुल्ली नाम ये बस्ती जो कितना दिन हो गया ये बस्ती को लगभग
चार पीढ़ी, पांच पीढ़ी, दस पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी, ये लगभग एक पीढ़ी से ज़्यादा हुआ है, दो पीढ़ियों का करीब, लगभग दो पीढ़ी मान लो, नया का बस्ती है, नया बस्ती है, कोई पुराना नहीं है, दो पीढ़ी मान लो जी जी। तो चलिए साथियों, आज हम जाने इस छोटा सा बस्ती जो अभी बसा हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, एक दो पीढ़ी का बस्ती है। तो इस प्रकार से किसी भी के नाम के, जैसे हमारे गुंडियन नामकरण भी होता था, सम्मार के पैदा हुए जन्म लिए समारू, बुधवार के जन्म लिए बुधारू, मंगल के पैदा हुए मंगलू, और उसी प्रकार से मास में भी, तो उसके जन्म लेने के, उनके नाम से उनकी जन्म का पहचान होता था, मतलब जन्म से उनका नाम होता था। और उसी प्रकार से कोई घटना से संबंधित या फिर किसी चीज़ से संबंधित होता है, उस प्रकार से हमारे गांवों का नाम, हमारे गुंडियनों का नामकरण विधि होता था। अब आज तो धार्मिक रूप से नामकरण किया जाता है कि हिंदू धर्म के लोग हैं तो उसका हिंदू धर्म के हिसाब से राम, कृष्ण, श्याम, विष्णु, ये प्रकार से हो गया। फिर मुस्लिम हैं तो फिर इमरान, फिरोज, तो ये, तो अकबर, इस प्रकार से उनका नाम हो गया। फिर ईसाई है तो फिर ईसाई में भी आप जानते हैं माइकल, तो वो, तो इस प्रकार से धर्म के नाम से, धर्म के हिसाब से नामकरण होने लगा। तो हमारी जो प्राचीन जो मान्यता थी नामकरण में, वो हमारी किसी धर्म के ऊपर नहीं था, किसी चीज़ के ऊपर नहीं था, वो उनकी जो मूल घटना के ऊपर, उनकी जन्म के संबंधी, जन्म के दिन, तिथि या फिर उसके और कुछ घटना से संबंधित है तो उसका नाम उस आधार पर पड़ जाता था। गांव है तो इस प्रकार से आप देखे हैं बगबूढ़ा का नाम, बगबूढ़ा नाम क्यों पड़ा इसके बारे में, तो इस टाइप का हमारा जो कच्चा टोला, नार, फिरगढ़, कोट, परंगना, इस सब चीज़ का नामकरण किया जाता था। तो हमारा आदरणीय नोहर भाटो जी, आप गुंडली में कै साल हो गए आप लग रहा थे गुंडली बगबूढ़ा में? मेरे तो गुंडली बगबूढ़ा ऐसा बीच में हूँ, तेरे गांव के और गुंडली के बीच में, तो यहाँ लगभग 40 साल हो गया मेरे को यहाँ आया। 40 साल आपका बचपना कहाँ बीता है? मेरा बचपना तो तेरे गांव में चला है, बीचा है कुछ दिन, उसके बाद में मैंने अपना मामा के गांव राली चला गया, राली में हम बाड़े कुर्राए, और फिर कुछ दिन के बाद हमारा शादी बर बिहाव सारी चीज़ व्यवस्था वहीं हुई, और वहीं से जानते किए जीने खाने के लिए, और खेती बाड़ी जहाँ दूसरे के कमाते कब तक की जिंदगी काटेंगे। तो यहाँ मेरा मुखिया पिताजी के कहा जा जगह जमीन है, तो उसी के संग में मेरा जिंदगी बीत रहा है अभी भी, और उसी के संग में हम यहाँ खाते कमाते इतने दिन ना काट दिए, लगभग यहाँ 40 साल से आगे हो गया है यहाँ आने हमको। तो 40 साल के इतिहास में आपके उम्र कतेक रही सुई? 15-20? लगभग हम 15 साल के थे। 40 साल पहले 15 साल हो, तो आप 40 साल पहले ऐसे गांव के एकाध बुजुर्ग के नाम? यहाँ के बुजुर्ग का नाम वो धोधा भैया करके था, मुखिया का नाम, हाँ वो पटेल भी अभी भी, उसका तो बेटा बेटी है और वो अपना चला गया डोकरा, लगभग 10 साल से बीत गया है। तो वो डोकरा से आपके खास बातचीत होत रही सुन ना, तो वो टाइम में गांव के नाम गुंडली नहीं पड़े रही सुन, बगबूढ़ा रही सुन, तो वो डोकरा आप ला बतात रही सुन कि ये घने जंगल रही सुन, ये जगह, ये क्षेत्र हम जी बैठे हैं, ये घने जंगल रही सुन, तो वो टाइम घने जंगल में बाघ भालू ये नदिया के जिन दहरा है इकट्ठा, नरवा के जिन नीचे में इकट्ठा दहरा, तो वो दहरा में बाघ भालू हमेशा पानी पिए बर आत रही सुई, चितर सामर बाघ भालू जतेक जंगली जानवर है, है ना, तो आत रही सुई, तो सबसे ज्यादा वहाँ बाघ ज्यादा बुढ़त रही क्या है, बाघ रात्रिकालीन में आते थे, दिन के वहाँ गाय बच्चे पीते थे अपना, रात जैसे हो तो वहाँ बाघ भालू ये सब पूरा जंगल था, तो वही पानी पीते थे और वही पानी रहा करता था, वो नीचे में है वो नदी के, यही नदी के दतीले नदी के नीचे जिन अपना गांव के बगल में, तो वो ही सियान मना बसे यहाँ आए कि यहाँ बसे जाए, ऐसा करे जाए, वैसा करे जाए करके, तो बसी तो हमेशा रहें और रहें तो वहाँ जाए जंगल ले आए, तब वहीं के पानी से उपयोग करें खाना बनाने के लिए भी, वही वही डबरा की पानी ले जाने की बात के लिए, वो टाइम वो बोरिंग वोरिंग की व्यवस्था नहीं रही, कुआं की व्यवस्था नहीं रहा,
तो वही जगह पानी इकट्ठा हर टाइम मिलत रही बारह तो वहाँ आदमी भी पिए पानी, जंगल के जानवर भी पिए पानी, गाय गरुआ भी पिए पानी। तो हमेशा बाघ जो है हमेशा पिए भरा है, अब बूढ़े भी रहे ओला गाँव वाले मन देखिन है ना, तो देखते हुए ओला फिर गाँव के नाम ही बगबुड़ा के नाम धर दें, बगबुड़ा धारा। हाँ हाँ। उसके बाद ये गांव के गांव के नाम ये गांव ही बगबुड़ा, मतलब ये बगबुड़ा खा रही है। जैसे अभी ये पहाड़ है दलदली वाले, तब पहाड़ के नीचे में तरे गांव है, कोटना पानी आऊ। हाँ, कोटना पानी तरे गांव। तरे गांव के नाम के पीछे भी कुछ का कारण है? अब तरे गांव अब सब पहाड़ के सबसे नीचे स्थल में है, तरी में है, चरण में होकर तरी में है, तो तरी गाँव हो गए, तरे गाँव हो गए। एकर मतलब नीचे के गांव, नीचे के गांव, तरी के गांव, मतलब तरे गांव, तरी गांव, तरी गांव, तरे गांव, ऐसे तरे गांव पर है नाम। तो वहां जंगल रही से बहुत पहले, तो अभी भी है कुछ कुछ मात्रा में, तो वो जंगल तरे गांव हो गए, डबल तिरबल तरे गांव रहते थे, जैसे मैदान तरे गांव नहीं, जंगल भी रही सोकर मैदानी इलाका में, अभी जंगल तरे गांव, तो जंगल तरे पहले बहुत जंगल था ना, इसलिए उसको तरे गांव जंगल नाम धरा है। तो अब इसको तो ठीक है, वो बात बहुत बड़ी बात है, वो सही बात है, उसी प्रकार के उसको धरे गए थे, क्योंकि जंगल आसपास में कोई ऐसे हमारे पास आसपास में जैसे कोई पुराना जो का। पहले अब जैसे मान ले जाए गांव की नाम किससे बात कर रहे हैं, जैसे अपन ऊपर है दलदली है ना, दलदली के नीचे कोटना पानी, तो कोटना पानी तो वहाँ एक पत्थर में बहुत बड़ी चट्टान है नीचे में, इसी के अपना दलदली के नीचे में वो पहाड़ में वो कोटना है, कोटना पत्थरा के वो स्वयं वो देवता जमाना में कहा जा हमार मानव मन वो समय सत के जमाना कहे जा, तो सत के जमाना देवता जमाना में वो समय जो पत्थर को सियान मन बोलते थे कि कोई विद्या के माध्यम से हाँकते थे, कोई विद्या के माध्यम से उसको जोड़ लेते थे, सब ऐसे करते थे, उसी समय का बात है वो। तो वो पथरा की कोटना है वहाँ, और वो कोटना में पानी बारिश के पानी रहता था, वो बहुत दिन से रहता था, और वह सब चिड़िया वहाँ पानी पीते थे, अभी भी है वो, कोई बिगड़ा बिगाड़ा नहीं है वो कोटना पानी, माने कोटना पथरा की उसको अभी भी चिड़िया उपयोग करते हैं, वो बहुत दिन ले पानी वहाँ रहता था वो समय सत के जमाना। अच्छा जंगल बड़ा घना जंगल तो है, तो सब भी पेड़ हर प्रकार के पेड़ पौधे में घिरा रहे, तो वो पत्थर ला देख के वो मतलब कुछ दिन के बाद वो गांव बस गया, तो वो पत्थर ला देख के कोटना ला देख के वो लोग कोटना पानी धर, वहाँ पानी रहता था, कोटना के अंदर पानी रहता था, तो उसको उसी नाम जैसे से अपन गुड़वाना रात के समय ये क्षेत्र में कोई ऐसे रहीस का रजवाड़ा। हाँ रजवाड़ा रहीस है, जैसे अब बताते हैं पुराना सियान मंत, जैसे रजवाड़ा की जैसे रजवाड़ा हमार मान ले जाए, अब तो रजवाड़ा जमाना में मान ले जा भी हम सही देखे जाए तो भुरम देव है, पचराही और पचराही है भुरम राजा, फर्स्ट है अपना जोगी मंडी पचराही जोगी मंडी में वो समय ईंटा के मतलब वो बनता था, यानी माने ईंटे जिन जुड़े है मिट्टी के ईंटा वो बनाते थे, देते ही लोग ईंटा पकाए वाले, ईंटा पकाए वाले, और वो पकाए वाले आज भी वहाँ बहुत बड़े गड्ढा है और वहाँ ईंटा भी पड़े हैं, तो ओहन राजा जमाने के कहा जा जोगी मंडी ईटा के अभी भी हवाई अवशेष, तो उनके नाम जोगी मंडी कैसे पड़ा, कोई जोगी वगी साधु आदि रहते थे वहाँ क्या है, तो समय वही सब देवता लोग के मुखिया रहते थे बाबा देवता, बाबा देवता तो वही पाड़ बाबा कहे जाते हैं, तो पाड़ बाबा मतलब हमरे जैसे ऐसे ही आदमी के ही रूप से उन बात करते थे काम करते थे, तो वहाँ के मुखिया रहा था पाड़ बाबा, तो वो जोगी माने उसको जोगी बाबा कहे जाए बाल ब्रह्मचारी, हाँ उसी के माध्यम से उसको एक मंडी, तो ईंटा की मंडी रही से वहाँ ईंटा बनाते से पूरा वहीं के ईंटा हर हमारा पुराना इतिहास प्राचीन काल में जो बने बने हैं मंदिर बने हैं भोरम देव कवर्धा है सब सर जो पुराना वहीं का ईंटा के से उन बने हैं देवता लोग, तो वहाँ के वो मुखिया थे वहाँ, तो वहाँ ईंटा के एक बहुत बड़े पहाड़ था वह पका के वहीं किला सेल करते थे, तो उसी के माध्यम से उसको जोगी के मंडी इसे टाइप मंडी जोगी मंडी नाम धार देंगे। हाँ वो ऐसे टाइप के उसको पुराना स्थान है कहा जाए जोगी मंडी। तो दादा हमारे तरे गांव में जो मछली रवार है अपना पचराही वाला रास्ता में उसको मछली रवार कैसे नाम रखा गया, उसको क्या है पहले जैसे हमारे पूर्वज लोग बोलते थे और वो एक
स्थान थे, जैसे हर रोड के एक चघाव होते बड़े, मतलब पहाड़ से पहाड़ के बाद ढाल होता है तो चढ़ाव, तो वो बीच में जैसे हम कोई भी देवी देवता मतलब मानत रही हैं तो हम बंजारी देव कहते हैं, तो बंजारी एक माता देवता के नाम माता, तो वो बंजारी देव, अब वहाँ ले नाला जो फूट गया तो बोला एक प्रकार के अभी के नियम में बोला बना दिया मछली रवार, तो मछली रवार कैसे हुआ ऐसे करके, तो वो चरण तीर्थ नाम है एक चरण तीर्थ हमारे देवता स्थल, तो बोलते थे अभी के आदमी कि राम भगवान 14 वर्ष के वनवास हुआ तो वहीं पहले मछली को अपना ये मतलब किसी जंगल से गुजरा था यहाँ से, नहीं नहीं वो अपना वहाँ से मछली को उन लोग मारने के लिए तैयार हुए, जो नहीं नहीं चरण तीर्थ के गुफा मंडला से, मंडला से वो मछली ला उनमन बोले नहीं अभी के बता वैसा टाइप के तो नहीं होगा लगता है, तो मछली को मारने के लिए वहाँ से मैंने दौड़े कहते हैं, तो दौड़े तो मछली वहाँ से छलांग लगाए चरण तीर्थ, तो चरण तीर्थ वहीं मतलब मछली छलांग लगा के गिरा कहा, तो वहीं से आए तो राम का वो जो चरण जो है उसको चरण पादुका राम कहा कैसे बोलते हैं अभी कहानी में, अभी की कहानी का अब पहले कहानी ऐसा नहीं है, बंजारी था वो बंजारी था और वो भी चरण तीर्थ हमारे देवता लोग के ही चरण में वहाँ मतलब एक जल पैदा था वो, और वो जल अपना मंडला से पैदा होकर प्राकृतिक गुफा है, गुफा वो गुफे से मतलब यहाँ से वहाँ तक के है, ये पहचान हमारे प्राकृतिक पहले का सतयुग के जमाना हमारा जो आदिवासी आदि मानव काल के है वो सही है, जिनमें वहाँ नर्मदा मैया वहाँ से निकल के यहीं गिरत रही से, तो वहाँ खुद वो चरण जिन हैं तेन वो हन देवता जमाना की बात है, और वो हन हमारे देवता मन के आए वहाँ जिन चरण को कर पादुका है तेन, ऐसा तो नहीं है कि राम पादुका पानी वाला है, दूसरा पानी वाला दूसरा पानी वाला नहीं है वहाँ का है राजा रानी, तो वो क्या है पत्थर है पत्थर बन गए हैं हाँ राजा रानी का बताते हैं मूर्ति पुराने लोग बताते हैं वहाँ का, अब पहले पैदल जाते थे बरात उरात भी राजा महाराजा पहाड़ में, तो उसी के चलते ने अब इधर से कह जा तो अमर कंटक पहाड़ से होते हुए मंडला मंडला है ना, तो शायद अमर कंटक से मंडला जा रहे थे बता रहे थे राजा महाराजा लोग उस समय, तो शायद अब कुकरा का कहाँ पाँच दिस सुबह हो गया, सुबह हो गया तो रात में जा रहे थे हम लोग ऐसा ही टाइप की बता रहे थे लोग, तो यहाँ उसी दिन से यहाँ कुकरा पानी का नाम पड़ गया ऐसे करके बता रहे थे, वो जा रहे थे वो पत्थर बन हाँ, तो वही राजा और रानी जो दूल्हा देवा दुल्ही दूल्हा दुल्ही दोनों पत्थर पत्थर बन गया उसी रूप में, उन पत्थर के रूप में धारण अभी भी है वो साक्षात दिखते हैं और वहाँ नीचे में एक पत्थर है वहाँ वहाँ बहुत बड़े एक पैर है पैर का निशान पत्थर में पत्थर में पैर का निशान बहुत बड़े पैर है वो हमारा तो वहाँ दो तीन पैर आ गए बड़ा पैर है ऐसा है राजा महाराज पैर आकार में पत्थर में निशान है निशान निशान असल में वो निशान जो है ना किसी राजा महाराजा किसी देवी देवता का नहीं हो सकता प्राकृतिक है, जैसे कई जगह शोध करोगे ना तो पत्थर में कई जगह बकरी आकार का बैल आकार का आदमी के पैर आकार का पंजा आकार का सब बनावटी, तो वो प्राकृतिक लेकिन इसको किसी न किसी तो बनाए होंगे मुझे नहीं लगता इसमें हाँ कोई बहुत पुरखा कोई नहीं जान सकता इसको भाई प्रकृति में ऐसा पंजा का निशान बन जाए ऐसे तो नहीं है नहीं तो उसमें पत्थर में आकार टाइप का है ऐसे टाइप का पत्थर में ना ऐसे जैसे पैर का पत्थर में पांव का निशान बना दिए उंगली वगैरह नहीं है उसमें हां ठीक है ना तो उसी टाइप का आकार में है तो अभी भी वो जगह ऐसा है दादा वो उंगली कहां रहेगी जूता पहन के तो कहां दिखेगा हां नहीं तो वही उसी टाइप का है वो हसन के जूता पहने था राजा हां बस अब वो चला तो पत्थर में हां पड़ा शक्ति के बल में शक्ति के बल में हां ऐसा ऐसा हो एक ही पैर का निशान है वो सुबह हुआ तो फिर सुबह कुकरा बासे हां कुकरा का वो बासा होता सुबह हो गया उन लोगों का ऐसा था जो राजा रानी था और साथ में बरात जाने वाला था तो फिर वही झांपी पहाड़ वो स्थान में हवे तो झापी पत्थर बोलते हैं कुकरा बांस एक पहली पहुंच जाओ ऐसी टाइप की रही वो जमाना बता रही हैं नहीं पहुंच पाए बरतिया तो वहीं हाँ, पत्थर बन गए वहीं पर पत्थर बन गया तो मतलब वहां की टाइम रही सुई टाइम हां तो मतलब अटका से अटका टाइम तक यहां पहुंच जाओ
अब कुछ कारण वह सुन लेट हो गए, लेट हो गए, लेट हो गए, समय उखर वहाँ के हो गए, हो गए समय हो गए, तो वहाँ कुकरा बांस दिन मतलब सुबह हो गए, सुबह हो गए, तो उनका टाइम नहीं है, टाइम हो गए करके वहाँ पत्थर बल लगे सब लोग। तो फिर ये हो गया कुकरा पानी, फिर चरण तीरा, फिर तरे गाँव, फिर योगी मंडी। हाँ अब ये पंडा डोंगर और है यहाँ भी। हाँ पंडा डोंगर करके ये तो पंडा डोंगर अभी वो दादा के आते ही कुछ नहीं था वहाँ, दादा यहाँ पहले बार आया था क्या पता नहीं, छुही में नहीं। तो कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति है जैसे उस स्थान का जैसे खोज करे हैं तो वो दादा ही जी तो कह किए। हाँ तो लेकिन कुछ तो उसको पता होगा कि कुछ ऐसे था वहाँ मतलब ये भी सुनने में आया था, मुझे बताए थे कि वहाँ मतलब वो था दूध नांग और नागिन। हाँ, नांग और नागिन। अब मतलब वो उनका जगह था तो एक राउत वहाँ बैल चरा गाय चराने के लिए जाते थे। बात तो रोज रोज वो जो नाग नागिन को पिला के आ जाते थे तो फिर गाय आने के बाद फिर बछड़े को पिलाने में बछड़ा को नहीं पिलाते थे, बछड़ा भूख मरते थे, चिल्लाते थे। तो फिर वो राउत जो है यादव के बोले कि मेरे गाय के दूध को कौन पीते, तो रोज रोज कौन पीते हैं ऐसे करके ताकि बछड़ा का वो उसका दुख और उसका पीड़ा सह नहीं। तो फिर वो गाय के पीछे पीछे ढीले ना तो छुप छुप के ऐसे राउत गए बोले। तो गए तो फिर देखे कि गाय वहाँ जाने के बाद फिर वो नांग नागिन दोनों उसका दूध को पीने लगे। उस समय से फिर वो नांग का ऐसे स्थान है और वो फिर वहाँ फिर जो भी प्रकार से अभी मन्नत या बदना कोई करते हैं तो मतलब पूरा कर देते हैं ऐसे सुनने में आया। हाँ, ऐसा इसका कहानी है। नहीं ठीक तो वही बात है, इधर भैंसा उदार और क्या। हाँ भैंसा उदार, हाँ भैंसा उदार है क्या, वहाँ क्या है। अब वहाँ पुराना वहाँ तो है ना, कुछ नहीं उतना खास ज्यादा, फिर एक नदी टाइप का है बहुत बड़े अच्छा स्थान है, स्थल है जैसा अपना जोगी मंडी जो ने ऐसे वहाँ वो उपका पानी है क्या। हाँ उगरा पानी। हाँ हाँ नर्मदा का वो क्या है, जैसे अब मैं बताया चरण तीर्थ का, चरण तीर्थ का पानी अभी भी सही बात है या वो दिन सही बात है कि वो वहाँ से स्रोत है हमारे मतलब मंडला से नर्मदा तक, ये नर्मदा के नाम से जाने जाते हैं चरण तीर्थ का। अभी भी वो पानी है ना, अभी जो आते हैं वो पानी वो नर्मदा से झिरना से आते हैं वो उसी का वो पानी। हाँ उसी का पानी, उसी का पानी। तो ऐसे प्रकार के जिन अपना वो भी पानी है जो वो जिन वो नर्मदा के पानी अभी बोलते हैं कि अपन हमारे चरण तीर्थ से और लेकर अपना भैंसा उदार और अपन वो अमरकंठा, तो वो पानी हाँ पहले वही उपका था पानी नहीं, वही जिन भैंसा उदार बोलते था वो बहुत बड़े डबरा है, बहुत अच्छा कंठा है, कुआँ टाइप के ऊपर हाँ कुंड है कुंड, और ऊपर में वो पहाड़ के ऊपर बगल में वहाँ बहुत बड़े देखने लायक एक छोटा सी चिन्ह है, तो वो पानी उपका वहाँ उसी के नाम से उसको नाम धरे हैं कि माने भैंसा उदार। अब वो पानी ला भैंसा पीना हर प्रकार के जंगली जानवर पीत रहे हों, अब हो सकता है भैंसा भी उधर गिरे हो करार हुआ। हाँ, करार बहुत बड़े हुए भैंसा तो पानी के लालच में हो सकते हैं, वो भी हो सकता है गिर गिरे। तो आइए दर्शकों ये हम जाने कुछ सही कुछ फसाना, ये हमारी जो किस्सा कहानी और इस गांव के पीछे हमारे क्षेत्र के पीछे जो गांव है जो प्राचीन अवशेष जहाँ पे हमको मिला है जो पुराना स्थान रही है उसके बारे में हम देखें सोचें। जैसे आप चरण तीर्थ के बारे में देखें कि कालांतर की दरमियान जब समय जब होते गया बदलते गए हमारे लोग वैदिक संस्कृति वैदिक व्यवस्था से के संपर्क में आने लगे, प्रभाव में आने लगे और उससे जोड़ के देखने लगे। जैसे आपको अभी एक बताए हमारे दादाजी कि अमरकोट के जो स्थान से यहाँ अमर मंडला से राम और लक्ष्मण जो तीर धनुष मछली को मारे, मछली फिर यहाँ भगते हुए चरण तीर्थ आए, फिर चरण तीर्थ से फिर उसका राम का पैर पड़ा, फिर मछली फिर वहाँ से फिर नीचे फिर भगे तो फिर बंजारी है पहाड़ है जो मगरवाड़ा के जस्ट ऊपर में है, मछली रवार बोलते हैं, तो फिर वहाँ मछली का वो उसका वहाँ मछली दिखे और इसलिए उसका नाम मछली रवार। इस प्रकार से रामायण से जोड़ के देखते हैं ये इधर के क्षेत्र के जो लोग हैं अभी की कल्पित कहानी कहे जाए, किंतु इस कहानी का जिक्र ना ही आपको रामायण में मिलेगा ना ही कोई हिंदू ऐसे धर्म ग्रंथों में मिलेगा जो इस प्रकार से घटित घटना या इस प्रकार से किसी भी प्रकार से इंगित करता हो। ना राम कभी हम राम को
सुने थे कि वो सोने का हिरण का शिकार वो किया था, तो सीता को हरण किए थे, लेकिन मछली का शिकार करते तो नहीं सुने थे। तो ये इन बातों से जाहिर है कि हमारे लोग जब वैदिक व्यवस्था वैदिक धर्म के प्रभाव में आए तो अपने जो प्राचीन स्थान का को अब इन वैदिक धर्म के देवी देवताओं से जोड़ करके देखने लगे, मानने लगे, और उसका एक किस्सा कहानी के रूप में प्रचारित कर दिया गया किसी व्यक्तियों के द्वारा जो इन सब चीज़ से चतुराई पूर्ण उसको अपना नामकरण दिया करते थे। आज मैं इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे हरगढ़ किला में कहीं ना कहीं वैदिक व्यवस्था वैदिक संस्कृति के देवी देवताओं को जोड़ करके देखा जाता है और उनके इतिहास अपने आप से शुरू हुआ इस प्रकार, जबकि हम वेद जिस दिन बना नहीं था, वेद से प्राचीन हमारा इतिहास रही है, प्राचीन हमारी सभ्यता रही है, जब हम वेद का लेखन नहीं हुआ था उससे पहले जब हम रह रहे हैं, धर्म की प्रादुर्भाव नहीं हुआ था उससे पहले जब हम रह रहे हैं, तो हम ये जाहिर सी बात है कि हमारी जो व्यवस्था धर्म से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, हमारी व्यवस्था धर्म से शुरू होनी नहीं चाहिए। बीच में मैं रायपुर में हो रही एक गुणवाना मेला के बारे में भी मैं डिस्कस किया था, बोला था कि भाई राम हमारी आदिवासी जो हमारी परंपरा है, ट्राइबल जो कल्चर है, उसको वो नहीं कर सकता, फेस नहीं कर सकता, राम उसका कोई आधार नहीं है, ना हमारी राम से शुरुआत होती है। अब हमारे ही भाई लोग कई लोग कहते हैं कि मसराम है ये हमारे बैठे हैं, तो मसराम, अब तुम मसराम हो और राम को नहीं मानते बोलते हो, तो तुम्हारे गोत्र में तो राम है, ऐसे बोल देते हैं। अब सिंधराम उसको भी वैसी बोलते हैं, के राम उसको भी वही बोलते हैं। तो इस प्रकार से उन लोगों की एक सोच है कि मसराम है तो राम से ही उस गोत्र का उत्पत्ति हुआ है, राम नहीं होता तो उसके गोत्र में मसराम कैसे पड़ जाता, के राम जैसे के राम तो के राम गोत्र है यानी राम है, सिंधराम तो सिंधराम गोत्र है यानी राम है, पंद्राम गोत्र है तो राम है, यानी इस प्रकार से जोड़ के देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारी गोत्रावली जो बनी है वो गोंडी भाषा में बनी है, और जो गोंडी भाषा में यही बताना कि अर्थ का अनर्थ, भाई आप जिस भाषा का वो शब्द है उस भाषा में उसका अर्थ निकालोगे तो फिट बैठेंगे। अब अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं, अब आप सिंधराम का मतलब ये बोल दिए कि सिंधराम, अब हिंदी में अर्थ निकालोगे तो क्या होगा, राम होगा। अब सिंध का क्या होगा, सिंधु नदी के राम हो जाएगा, सिंध के राम हो जाएगा, भाई सिंधराम है सिंध के राम हो गए, तो ये सिंधराम गोत्र जो है सिंध के हैं, सिंधु नदी तरफ के आए हैं, तो यहाँ कहाँ से सिंधु नदी तरफ से आ जाएंगे भाई सिंधराम, के राम तो क्या है, के राम का मतलब क्या है, केरल तो के राम का मतलब केरल का राम थोड़ी है। तो इस टाइप का लॉजिक लगाना, इस टाइप का अर्थ का अनर्थ करना, ये मुझे तर्कहीन लगता है, ये जो बिना तथ्यपूर्ण बात है। इनका आपको सही जानकारी चाहिए तो हम आपको गोत्रावली की जानकारी में जब भी डिस्कस करेंगे हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। फिलहाल आप सभी को जय जोहार, जय सेवा, जय बड़देव, जय भगवान, जय छत्तीसगढ़। आदिवासी कोई धर्म नहीं, आदिवासी ओनली प्राकृतिक धर्म से चल, ठीक, कोई कोर्ट में सुनवाई हुई सर, बोलो यहाँ के कागज दूसरे राज्य के वो लड़की ले पूछिस गए उनकर देवी देवता के बारे में, मानते हो कि नहीं करके, बहुत अब तो चालू हो गया है दीपावली, मानते हो सब मामला पूछी, अब पूरा हर जगह मानते हो कि नहीं, तो ये कौन से देवी देवता को मानते हो, तो राम दुर्गा सब बता भाई, वो कैसे मानी तो फिर वो तो हिंदू मात है ना, गोड़ का था गोड़ के अपन देवी देवता नहीं जाना, सब हिंदू के लिए बता सकते वही में तो आवे थे, शायद मध्य प्रदेश में शायद तो हमने जमीन में बात के चलते हो खारिज कर लीजिए, फिर बीच में घोड़ जल जाती है, हां मतलब तो घोड़ जल जाता है, मध्य प्रदेश की घटना है, मध्य प्रदेश की घटना मतलब, हां मध्य प्रदेश की नहीं, ऐसे कुछ आज पेपर आउट हो रही है, अब पेपर आउट हो रहे हैं ना, वरना खारिज कर लीजिए घोड़ सवार, हां मतलब ना पूछताछ करें कि तुम कौन से देवी देवता मान को कहते हैं, पूरे चीज ला बताएं कि हम राम लमान थन पर मां मान थन विष्णु मान थन, ऐसे करके हम अपन जनजाति के संस्कृति में नाम सुनो जनजाति मतलब आदिवासी नहीं है, हिंदू है, मतलब इसमें कोई साक्ष नहीं है, इसको प्रूफ करो, प्रूफ करो, मौका दे, मौका दे है ना, तो वो प्रमाणित नहीं कर सकते, अब अपन संस्कृति भुला गए, इतिहास भुला गए, अपन देवी देवता भुला गए, तो कर सब संस्कृति, अब ठीक है, अभी हमला काबर पूछी तो बताओ, अभी हमला काबर पूछी यही साल ले चालू होई, मैं तुमने बता देता हूं, होई कोर्ट में कहीं भी हो, अब होई
काबर ये भारत देश लगा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो अब हम कोई समाज के सबके कहने हैं कि हम कोई हिंदू नहीं है, हम सब लोग कह रहे हैं तो हिंदू नहीं है तो क्या है, तो आप कोर्ट में जाओगे तो पूछेगा क्या है तुम लोग, क्या जात के हो, क्या गोत्र के, तो बताओगे फलाना गोत्र के, हाँ ठीक है कह देव मानते हो, कौन कौन देव है वही चालू करें तो सही सही बता देवे तब तो हिंदू से दूर आते, कहूँ राम ला मानतू सीता ला मानतू सीता के मोर कुआ है कभी तो वैसे वैसे तो वैसे ना खत्म कर दे, चल वैसे लिखत लिखत फिर हिंदू राष्ट्र ठीक है समझे। जब देख रामायण के जब यह करी नहीं मतलब पिक्चर बनाई तो भाई वहाँ तो हिंदू धर्म वाले तो नहीं हुई, मुसलमान तो कुछ बने छू ही नहीं, हमको किसी धर्म का विरोध नहीं करना, नहीं हमको अपना संस्कृति मजबूत बनाना, तो जड़ से उसको खोजना है कि हमारा जैसे पेड़ पौधा में हमारे देवी देवता रहता है, नदी नाले में रहता है, चौक चौराहे में रहता है, घर में रहता है, कोठार में कोठा डोली में रहता है, घर कुरी में जहाँ तक कुआं में भी रहता है, मानते कि नहीं मानते है ना, तो वो चीज़ को हमको बरकरार रखना है, मजबूत रखना है उसको, किस तरह से फिर उसको मतलब मजबूत बना के कहाँ बरकरार रख दें, हम फिर देवी त्यौहार मनाना चालू कर देते हैं, सारा दिन लोग 9 दिन तक के नवरात्रि रहते हैं, ठीक गणेश उपास रहते हैं सारी की, और अंत में मांस मछली खाते हैं, तो ये धर्म का मैंने विरुद्ध हो गया। अरे मैं देखे कतको जन 9 दिन उपास रहते, 10वां दिन कबले पूरे कबले का पूजा करते हैं, जैसे पूजा हुई दारू मुर्गा मुर्गी 9 दिन के तो भूखे प्यासे ज्यादा हुई तो डिलीट हो जाता, तो वो आदिवासी पहचान है ना, डिलीट ऐसे हुई आखिरी अपने वे भी समाज थे तो पूजा करे तेनो पुनानी होए तो देवी देवता शक्ति के नाम ले तेनो पुनानी धरती में खत्म पूरे धरती में इंसान पैदा हुआ है। अब इंसान पैदा हुआ तो इंसान को पता नहीं होगा कि ये कौन सा धर्म है क्या है कौन देवी देवता, उसको पता नहीं रहा होगा, उसको दूसरे जीव जंतु को मार के खाकर कच्चा मांस को आदिवासियों का इतिहास रहा है, जिस टाइम अनाज नहीं होता था, गेहूं नहीं होता था, चावल नहीं होता था, कोदो कुटकी राहर दाल तिलन कुछ नहीं होता था, वो कलर नहीं जानता था मतलब कमाने खाने का, तो जंगल में शिकार करके जानवरों का शिकार करके कच्चा मांस खा के अपना पेट पालता था, काबिला में रहता था अपने बीवी बच्चों के साथ, तो उसको भी शिकार करना सिखाता था, अब वो भी शिकार करना सीखता था तो वो भी वैसा चलता था, धीरे धीरे कई हजार साल पर ये बरकर ये चला रहा है, उसके बाद धीरे धीरे विकसित हुआ है, बंदर धीरे धीरे विकसित हुआ है, जड़ को खा के जिया है, छाली को खा के जिया है, फल फूल को खा के जिया है, मछली खा के जानवर को खा के जिया है, ये इतिहास रहा है, शिकार करना आदिवासियों का एक ऐतिहासिक है ना, तो अब धीरे धीरे कानून नया नया बनता गया तो उसमें सब प्रावधान को हटाता गया, तो सब कानून के आधार पर सब एकजुट एक भारत एक कानून एक नियम हो गया है ना, तो सबको भाई देश के अंदर जितने भी जीव जंतु है सबको संविधान में जीने का अधिकार है ना, उसको को मारोगे तो कानून अपराध है, इसलिए तो अभी लोग शिकार नहीं करते, पेड़ पौधों को नहीं काटते जंगल में है ना, अरे पहले हमारे जानते में और कुछ तुला अरे इतनी जाना तो हम सब जानथन गलो, जिसे राजा महाराजा हुआ करते थे तो हम डायरेक्ट बिना किसी की अनुमति से अपना गाड़ी चलते थे यानी धरते थे और डायरेक्ट जंगल जाते थे, और जानवर कहीं भी हो जंगल से मार के लाके अपना उन हमेशा स्वीकार करके खाते थे, वो हमारे संग में उनके हाथों से हम भी खाए हैं, हम भी उनके संग में स्वीकार करने के लिए गए हैं इन्हीं जंगल में सब काला, तो ये अपना पंडरिया के राजा आते थे, कमरधा के राजा आते थे और सब इन्हीं में आते के आने के बाद हम शाम के 6 बजे 7 बजे मार के ले जाते थे अपना घर में, और ले जाने के बाद वहीं सब अपना हमेशा वो गर्म भोजन खाते थे, वो स्वीकार शिकारी करके ही हमारा व्यवस्था पहले शिकार करना भी 1950 के बाद बंद हुआ है, 1950 जब संविधान बना उसमें कानून बना जब वन विभाग का जंगल कानून, तो वो सब शिकार करना वो सब पर प्रतिबंध लगा दिए, उसके पहले शिकार करते थे ना, उसी से जीवन शिकार करना हम ही आदिवासी ही लोग ऐसे करते थे, हमारे संविधान के पहले सब लोग मांस मछली में निर्भर थे, जड़ी बूटी में निर्भर थे, जंगल के पेड़ पौधे फल फूल में निर्भर थे है ना, कंदमूल में निर्भर थे है ना, पेड़ पौधे जो मधुमक्खी है छाता वो सब खा के सब जी के, उसी का डीएनए हमारे शरीर में, कहाँ बड़े बड़े इतिहास बताते हैं है ना, कई लोग कहते हैं हम उसके वंशज है, मैं पूछता हूँ तुम 50 साल का इतिहास बताओ, तुम्हारे दादा के मम्मी का नाम बता दो, कोई नहीं जानता, मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ, मैं अपने दादा का मम्मी का नाम मैं खुद नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं भाई, तुम 50 साल या 150 साल का इतिहास बता दो
फिर मैं मान लूंगा आपका वो पूर्वज था, वो पूर्वज था, है ना, ये सब सब है। बहुत संघर्ष करने के बाद अभी विकसित हुआ है, विकसित होने के बाद अभी सब लोग गधे हो गए, गधे हो गए हैं कि किसी भी चीज में, बेफुजुल चीज में उनको भूत प्रेत नजर आता है। वो कुछ भी चीज बढ़ा दो, उसको कलर में डिजाइन कर दो, उसको पै पड़ेगा, इधर माँ बाप को लात मारेगा, है ना। तो ये सब गलत चीज है। अपना जो मूल संस्कृति है ना, घर में कर रहे हैं कुछ और बाहर में दिखा रहे हैं कुछ और। सही बात है। छीन के देंगे अपना हक।